अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी भाजी और अमरस। इसकी रेसिपी जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो आलू ली हूँ, तो मैं इसको उबाल लेती हूँ। आलू बॉईल हो रहे तभी तक मैं आटा गूंद लेती हूँ पूरी के लिए। ये मैंने तंदूरी आटा ली हूँ, आधा किलो है। इसमें भी मैं डाल दूंगी नमक। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, अच्छे से गूंद लूंगी इसको भी। ये मैंने आटा गूंद लिया हूँ, मेरा आटा अच्छे से गूंदा गया है। अभी मैं इसके कपड़े में ढक कर रख दूंगी। तंदूरी आटे से पूरी बहुत अच्छी बनती है। मैं इसके कपड़ा ढक कर रख दूंगी। अभी मैं इसको ढक दूंगी। मैंने रुमाल का इस्तेमाल किया है, आपके पास कोई कपड़ा हो तो आप उसे ढक दो। गीला कपड़ा, गीला रुमाल लिया है। 10 से 15 मिनट ढक कर रख देंगे। 5 आम ली हूँ, अभी मैं इसको अच्छे से ऊपर का इसका छिलका निकाल दूंगी। मैं अभी इसके से पीस कर लूंगी। इसको जाड़े जाड़े पीस में कट कर लेंगे। आप कोई भी आम ले सकते हैं। सारे हम इसी तरह से काट लेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्सर में बारीक पीस लेंगे। मैंने इसे मिक्सर में डाल दी हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दूंगी और इसको अच्छे से पीस लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूंगी। हमारा अमरस रेडी है। अब इसको हम फ्रीज में रख देते हैं ठंडक के लिए। आधा एक घंटा ठंडक के लिए हम इसको फ्रीज में रख देते हैं। मेरे आलू बॉईल हो गए हैं, अब इसको मैं छील लेती हूँ। मैंने आलू को छील ली हूँ, अभी मैं इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लूंगी। मैं इसको भी इतने छोटे छोटे पीस में कट कर लूंगी। मैं सारे आलू इसी तरह से कट करने हैं। मैं भी भाजी बना लेती हूँ। थोड़ा तेल गरम होता है ना, और इसके अंदर डालूंगी मिर्ची, लहसुन और कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता थोड़ा लाल होने तक हमें इसको भूनना है।
अब इसमें हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी, राई जीरा, इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक, नमक अपने हिसाब से डालें। बहुत ही जल्दी बनने वाली भाजी है। इसको घर पर जरूर ट्राई करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कोथमीर, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी आलू की भाजी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। हमारी आलू की भाजी रेडी हो गई है। आटा चेक कर लेते, आटा हो गया है क्या? तो आटा अच्छे से हो गया है। अब इसको हम थोड़ा मसल लेते, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। हम इसको अच्छे से मसलते हुए पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे, इतने 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 साइज के हम पेड़े बना लेंगे। तो हम आटे में डिप कर लेंगे। हमें हल्के हल्के हाथों से पूरी बनाना है। हमें इतनी साइज की पूरी बनानी है। अब इसको हम एक प्लेट में रख देते हैं और सारे पूरी इसी तरीके से बना ले। मैं तेल गरम होने के लिए रख देती हूँ। A few moments later. गरम हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे पूरी।
इसको थोड़ा लाल होने तक सब उतर देंगे। हमारी पूरी हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। हमारे अमरस पूरी भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।